तो अगर आप लोग सोच रहे हो अपने YouTube चैनल या फिर अपने बिजनेस के लिए एड रन करने का Google Ads के थ्रू, तो आपको ये चीज़ कैसे करनी है, कैसे आपको Google Ads अकाउंट सेटअप करना है या फिर YouTube अकाउंट सेटअप करना है, एड रन करना है सिंपली बोले तो, वो कैसे करना है आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत है। वो तीन चीज़ें क्या है, कैसे करनी है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे सेटअप करना है, सब कुछ इस वीडियो में पता लगने वाला है। तो वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, देखने वालों साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गूगल एड्स अकाउंट सेटअप करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें क्रिएट करना है गूगल अकाउंट। गूगल अकाउंट जिनका है, ज़्यादातर लोगों का होगा गूगल या फिर जीमेल अकाउंट बोल सकते हैं, जीमेल अकाउंट। तो अगर आपका ऑलरेडी गूगल अकाउंट है तो स्किप कर दो इस पार्ट को और दूसरे पार्ट में चले जाओ, नीचे टाइम स्टैम्प दे रखे हैं मैंने। और जिन लोगों का नहीं है मैं बताता हूँ कैसे क्रिएट करना। अक्ष वर्मा अक्षमा ब्लॉक्स, यूजर नेम भी डालता हूँ अक्ष, पासवर्ड इसका रखते हैं हम लोग, आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर फोन नंबर डालना ऑप्शनल है, मैं नहीं डाल रहा हूँ। रिकवरी ईमेल ऑप्शनल है, बर्थ डेट, जेंडर मेल, नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट करने के बाद इनको आई अग्री, इजी है। अब यहाँ पर हम लोगों ने गूगल अकाउंट बना चुका है। नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, हमें यूट्यूब अकाउंट बनाना है, मतलब यूट्यूब चैनल सेटअप करना है। उसमें जब हम वीडियो डालेंगे तो उसी से एड रन करेंगे, उसी वीडियो को प्रमोट करने वाले हैं। अगर आपका यूट्यूब चैनल भी है तो इस पार्ट को भी आगे स्किप कर सकते हो, नीचे टाइम स्टैम्प दे रखे, दूसरे पार्ट पे जा सकते हो जहाँ पर हमने गूगल एड्स अकाउंट बनाया है, youtube.com। अब यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पर जाना है और यहाँ पर हमें सिंपली क्लिक करना है यूट्यूब स्टूडियो या फिर क्रिएट अ चैनल। YouTube स्टूडियो पे क्लिक करता हूँ मैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है आप अपना चैनल में क्या नाम रखना चाहते हो, जो भी आपका चैनल हो। मैं अक्षर में ब्लॉग्स नहीं रख रहा हूँ, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ टेस्ट कर देते हैं, बस टेस्ट कर देते हैं, ठीक है। क्रिएट चैनल अक्षर में ब्लॉग्स, क्योंकि ऑलरेडी चैनल है, अगर आपको नहीं पता मेरी ब्लॉगिंग चैनल भी है उसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, 0 सब्सक्राइबर्स हैं फिलहाल, ठीक है, ये हमारा चैनल है। एक और चीज़ जो रह चुकी आपको बताना जरूरी है, जब भी आप गूगल अकाउंट बनाते हो तो उसी टाइम आप अपनी फोटो अपलोड कर दो, क्योंकि वही फोटो आपको ऐड के टाइम पर दिखने वाली, जब गूगल एड्स रन करोगे लोगों तक आपका ऐड पहुंचेगा तो उनको जो प्रोफाइल पिक्चर नजर आएगी ना वो आपकी गूगल अकाउंट की नजर आएगी। अगर वहां पर खाली रहा, ब्लैंक रहा, कोई प्रोफाइल पिक्चर आपने अपलोड नहीं कर रखी है तो वो गंदा लगता है देखने में, जेन्यून नहीं लगता। तो अब हम लोगों ने गूगल अकाउंट बना चुका है, यूट्यूब चैनल बना चुका है, लास्ट चीज़ हमारी है गूगल एड्स अकाउंट सेटअप करना। तीनों चीज़ वैसे लिंक है बट हमें वहां पर जाके करनी पड़ेगी, लॉगिन करना पड़ेगा बस, ठीक है। अब जाते हैं गूगल एड्स पे, ads.google.com। तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे ताकि आप डायरेक्टली जाके चीजें कर सको और आपके लिए इजी हो जाए। यहाँ पर साइन इन करूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा नया गूगल एड्स अकाउंट है, ठीक है, न्यू गूगल एड्स अकाउंट। तो यहाँ पर जो मेरा ऑलरेडी जीमेल अकाउंट हो रखा है, खुल रखा है, तो उसने ऑलरेडी उसको सिलेक्ट कर चुका है और उसके थ्रू एक नया गूगल एड्स अकाउंट बनाया जा रहा है, सेटअप हुआ जा रहा है। अगर आपका नहीं बनाओगे तो आप चूज कर लेना, मल्टीपल अकाउंट्स होंगे जब आपके। मेरा ऑलरेडी यहाँ पर अक्षर मा ब्लॉग्स आ चुका है। अब यहाँ पर ये कुछ ऐसी विंडो आ रही है, यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, व्हाट्स योर मेन एडवर्टाइजिंग गोल, आपका मेन एडवर्टाइजिंग गोल क्या है। यहाँ पर अगर आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट करोगे ना, इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी सिलेक्ट करोगे, गूगल आपको बोलेगा आगे कैंपेन बनाने के लिए। क्यों, उससे गूगल का फायदा है, क्योंकि एक नया कैंपेन बनाओगे आप, पैसे लगाओगे तो फायदा तो गूगल का है, लेकिन हमको अभी सिर्फ अकाउंट सेटअप करना है, हमको कैंपेन नहीं बनाने, वो हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है आर यू अ प्रोफेशनल मार्केटर, स्विच टू एक्सपर्ट मोड, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप स्मार्टफोन से कर रहे हो तो शायद ये चीज हो सकती है, अगर आप क्रोम में मेन्यू में जाकर स्विच डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर दो तब शायद ये चीज हो सकती है। अगर नहीं होती है तब आपको एक पीसी से ब्राउज करना पड़ेगा, एक सिस्टम पर आना पड़ेगा, ठीक है, लैपटॉप से। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज करते हैं, स्विच टू एक्सपर्ट मोड पर क्लिक करना है हमको, क्लिक किया इसमें मैंने। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर से गूगल हमको बोल रहा है, गूगल एड्स बोल रहा है एक कैंपेन बनाओ। ये कैंपेन की विंडो है, न्यू कैंपेन यहाँ पर आ रहा है टॉप पे, ये कैंपेन की है, दोबारा से बोल रहा है कैंपेन बनाओ, लेकिन हमको कैंपेन बनाना ही नहीं है, ठीक है। तो हम काय पे क्लिक करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कैंपेन। अब इस पर क्लिक करने के बाद ये लास्ट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आपने ये एक ही बार फिल कर सकते हो, इसके बाद दोबारा से इसे चेंज नहीं कर सकते हो, तो देख लेना एक बार बिलिंग कंट्री अपनी, टाइम जोन क्या है तुम्हारा। वैसे ये डिफॉल्ट जो मेरा रियल है वही आ रहा है, तो मैं सबमिट कर दूंगा, ठीक है, बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते। तो हो चुका है, कॉन्ग्रेट्स, यू आर ऑल डन। तो यहाँ पर अपना गूगल एड्स अकाउंट पूरा सेटअप कर चुका है हम लोगों ने, बहुत इजी तरीका था। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, अगर स्मार्टफोन से नहीं हो रहा है तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो जरूर ले आऊंगा, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपके साथ सेटअप करने को लेकर। अभी फिलहाल यहाँ पर काफी ज्यादा खाली खाली सा नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं आपको अपना गूगल एड्स अकाउंट दिखाऊं तो यहाँ पर सब कुछ भरा नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने काफी सारे कैंपेन रन कर रखे हैं। जब हम कैंपेन रन करेंगे आगे तब यहाँ पर भी काफी सारी डिटेल्स हमको मिल जाएगी, काफी सारे स्टैटिस्टिक्स हमको नजर आएंगे। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कहां से क्या चीजें करी जाती है गूगल एड्स के अंदर, कहां से आपको कैंपेन क्रिएट करने, कहां से आपको पैसे ऐड करने, कहां से आपको
प्रमोशनल कोड मिलेगा, जो कोड मिल रहा है 2000 रुपीज का, वो कैसे मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट बॉक्स में बताना कोई डाउट होगा। अगली वीडियो मिलेंगी, तब तक के लिए टाटा।